लोग को घूस चाहिए, पैसा मिलेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बिहार का बस यही है, घूस चाहिए पैसा तब दौड़ के आएंगे। कुछ मांग किए थे वो लोग को, पैसा देंगे तुरंत आएंगे, बस मेरा यही करने का मतलब। इससे पहले भी उसके बाद जब हम लोग गाड़ी लिए तो पापा उनसे बोले प्रेम से कि हमें रास्ता दीजिए ताकि हमारा गाड़ी अंदर चले जाए घर में। ये सार्वजनिक स्थान है, सभी के लिए है, ब्रह्म स्थान सरकारी ज़मीन है, तो फिर सभी के लिए आना जाना रहता है यहाँ पे। किसी का भी नहीं है कि ये मेरा है वो मेरा है, ये लोग यहाँ पे अपना बोलते हैं ये मेरा है मेरा है, सब लोग। नमस्कार, द बीजी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शंकर कुमार। इस वक्त हम बिहार के समस्तीपुर जिला में हैं और ये दलसिंह सराय प्रखंड है जहाँ अजनोरपुर पंचायत है और वार्ड नंबर 11 में। कुछ दिन पहले विवाद को लेकर अभी वायरल एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ सोनम आर यादव मैम जो हैं सिंगर हैं वो उसका वीडियो वायरल हो रहे हैं। हम उसके घर पे पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है थोड़ा हम देखते हैं। देखिए यही गाड़ी जो है जो वीडियो में देखते होंगे यही गाड़ी है जो जिक्र हो रहे हैं काफ़ी, और दूसरा जिक्र हो रहे हैं ये जो है ये देखते हैं, ये दिखाइए थोड़ा इसको। ये क्षति है, ये कहते हैं मंडप है लेकिन मंडप ने कहा जाए कुछ नहीं, क्षति है इसको बोलते हैं। मंडप हो गया मतलब कहता है भगवान का जिसमें वास होता है उसको मंडप बोलते हैं और इसको क्षति बोलते हैं। ब्रह्म बाबा का स्थान है लेकिन ये क्षति है, इसके अंदर में कुछ है ही नहीं, तब मंडप नहीं कहा जाए इसको, क्षति कहा जाए। और हम उसके घर पे पहुँचे हैं, क्या मामला है ये क्षति जो है ये क्षति को लेकर, क्योंकि ये देखिए यही गाड़ी है जो कि गाड़ी के लिए स्पेस भी बनाया गया है पहले से, जो घर बन रहे थे घर बनने से पहले इसका जो है देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हम गाड़ी लेंगे तो गाड़ी हम अंदर में लगाएंगे, क्या लेंगे गाड़ी लेंगे तो गाड़ी को हम अंदर में लगाएंगे, उसके लिए पहले से जो है स्ट्रक्चर या इसका डिजाइनिंग तैयार किया गया है। और हम जहाँ स्थित हैं, हम क्षति में स्थित हम जो अभी हैं, ये देखिए क्षति ऊपर थोड़ा दिखाइए, क्षति है ये, क्षति में कुछ नहीं है, हम यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ठीक है। हम बात करते हैं मैम से, ये क्या पूर्णतः मामला है हम बात करेंगे। जी मैम क्या पूरा मामला है पूरा बताइए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी मैम थैंक यू। और हमारे गेट के सामने ये मंडप गाड़ा गया है जी, और ये मंडप पहले वहाँ पे गाड़ा हुआ था मंदिर के सामने, दिखाइए थोड़ा ये वहाँ पे गाड़ा हुआ था उस जगह पे जहाँ मोटरसाइकिल लगा हुआ है, तो वहाँ से उखाड़ के यहाँ गाड़ा गया है, यहाँ पे गाड़ा गया, तभी हम लोग का काम चालू था घर का जी। फिर जब पूरा काम हो गया घर का तो फिर ये मंडप बहुत दिन से लगा हुआ यहाँ था, पहले वहाँ तो लगा था उसके बाद यहाँ लाए थे, फिर ये मंडप पूरा सर गया था, सर के पूरा निकल के टूट गया था, तो फिर हम लोग तभी यहीं पे थे, तो फिर जब ये मंडप यहाँ पे गा रहे थे तो पापा मना किए, हम लोग सब मना किए कि यहाँ पे मंडप मत गाइए, हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं। तभी हम लोग का गेट भी सब लग गया था, उसके बाद ये मंडप अभी का बात है जब ये गा रहे थे जब पूजा होने वाला था, तो फिर कब पूजा होने वाला था लमसम कितने महीना पहले, अभी का बात है इधर का, अभी का बात है जब यहाँ पे अभी हुआ था पूजा, तो फिर ये लोग मंडप गा रहे थे तो पापा मना किए कि हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं तो यहाँ पे मंडप मत बनाइए, थोड़ा जगह यहाँ है बहुत सारा ब्रह्म स्थान है, थोड़ा साइड में बना लीजिए कहीं, तो ये लोग जबरदस्ती हमारे गेट के सामने बनाए। और उसके बाद पापा जब बोले कि हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं तो हमारा गाड़ी कैसे आएगा घर में, पार्किंग के लिए सब जगह बना के रखा हूँ मैं, कैसे जाएगा घर में, तो ये लोग बोले कि नहीं जब गाड़ी आ जाएगा ना तो उसके बाद ये खाली हो जाएगा, हम लोग उसको हटा देंगे कहीं पे, अभी गाड़ी नहीं तो पहले से क्यों ऐसे बोल रहा है। तो फिर पापा बोले पहले मतलब जब बोले कि हम गाड़ी ले रहे हैं तो पहले तो उसको बताएं तो बोले हटा देंगे, लेकिन जब गाड़ी लिए तो उसके बाद ये मामला बढ़ गया और वो लोग बोले कि नहीं हटाएंगे। तो फिर उसके बाद ये लोग को मना किया तो भी ये लोग जबरदस्ती यहाँ पे गा रहे, फिर पापा बोले कि रहने दो अभी गाड़ी है नहीं तो पहले क्यों बोले, जब ले लेंगे तो इन लोग को फिर से बोलेंगे तो हटा देंगे। तो फिर हम लोग गए गाड़ी लिए, संडे का दिन था तभी यहाँ पे कीर्तन होता है उस दिन संडे पे मंदिर के ऊपर, तो फिर हम लोग यहाँ पे इस स्थान पे मतलब कीर्तन हरि कीर्तन होते हैं संडे। फिर उस दिन हम लोग गाड़ी लेके आए, फिर यहाँ पे लगाए, पूजा और सब हो गया, पंडित जी पे आए, फिर पूजा होने के बाद सब लोग मंदिर पे बैठे हुए थे तो वो लोग को पापा बोले कि मुझे गाड़ी लगाना है, हम लोग सब साफ़ कर दिया, हम लोग को उम्मीद था कि ये लोग हम लोग को रास्ता दे देंगे क्योंकि हम लोग गाड़ी रखेंगे कहाँ, तो फिर साफ हो करके रख दिया हम लोग। फिर पापा उन लोग को बोले तो वो लोग बोले कि नहीं ये मंडप कैसे हटेगा, ये मंडप यहीं रहेगा। वो लोग सब लोग उठ के आ गए, पूरा टोला उठ के यहाँ पे आ गया, पूरा भीड़ जमा हो गया, वो लोग जबरदस्ती पंचायत में मुखिया होते हैं सरपंच होते हैं वार्ड सदस्य होते हैं उसका क्या कहना है, उनके पास पापा गए थे पहले तो यहाँ पे सब लोग को बोल दिए पापा के रास्ता दीजिए हमें हमारा गाड़ियाँ चले जाए, सब लोग को बोल दिए थे यहाँ पे
यहाँ पे कीर्तन होता है संडे संडे, तो हम लोग का गाड़ी संडे के दिन ही आया था, तो उसी दिन सब लोग बैठे हुए थे मंदिर पे, तो वो लोग को पापा हाथ जोड़कर बोल दिए कि मुझे रास्ता दे दीजिए खाली गाड़ी के लिए, तो ये लोग नहीं बोले कि रास्ता नहीं मिलेगा, ये मंडप यहीं रहेगा, तो पापा वो लोग को कुछ नहीं बोले। सुबह हो के कल तो मुखिया के पास गए, तो मुखिया को बोले कि हमें रास्ता चाहिए, हमारा गाड़ी कैसे जाए आप बताइए और हमारा मदद कीजिए। तो वो बोले कि ये मेरा काम नहीं है, आप सरपंच के पास जाइए। तो फिर पापा सरपंच के पास गए, तो उन्होंने भी मदद नहीं किया, डबल पापा का बेइज्जत कर दिया। तो पापा आ गए, तो क्या बोले सरपंच, क्या बोले वहाँ, यहाँ के सरपंच क्या बोले, मतलब किस टाइप से बोले? सरपंच बोले कि गाड़ी दिखाने के लिए आया है, ऐसा गाड़ी देख चुका हूँ बहुत, जा यहाँ से जल्दी से, बेइज्जत करके, हाँ बोले कि जा यहाँ से, और बेइज्जत करके भगा दिया। आपका क्या कहना है? मुझे किसी से भी दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं मुझे रास्ता चाहिए बस, मेरा गाड़ी चले जाए और कुछ भी नहीं। आपका गाड़ी सलामत घर, यहाँ पे सरकारी जमीन है, सभी लोग यहाँ पे घर बना के रखे हैं सब कुछ, लेकिन बस हमारे लिए क्यों रास्ता रोका गया है? मेरा कहने का ये मतलब है कि सभी के लिए इतना सब लोग रहते अच्छे से, मुझे किसी से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बस रास्ता देते। मतलब आप लोग को पहले किसी से दुश्मनी भी था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दुश्मनी नहीं था, बस थोड़ा सा वो पहले का जो है वो केस चालू है पापा का, वो भी इसी विवाद में हुआ था, पहले से सभी को मालूम है, और उसके बाद तो मंडप से अभी का हुआ है विवाद इसका, जब गाड़ी लिया हम लोग। विवाद जो है पहले से केस जो चला था, इस विवाद से नहीं रिलेटेड है? नहीं, इसका नहीं है, वो पहले छज्जी का था तो उसका विवाद था, पर्सनल मैटर था जी। लेकिन ये तो मामला है कि मतलब सार्वजनिक मामला है, तो यहाँ जो है गांव समाज में होता है कि पंचायती बोलते हैं उसको, तो पंचायती बैठाए थे आप? पंचायती भी हुआ, पापा सब लोग के घर पे गए और सब लोग को बुलाए, यहाँ पे आए और दो चार पाँच आदमी बोल रहे कि ये मंडप हटाएंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पे पाँच आदमी छः आदमी जो हमारे टोला के, बाकी यहाँ के अगल बगल के आते वो लोग तो सब हम लोग के साथ देते ही हैं, लेकिन यहाँ के मतलब इन लोग का कहना है कि मंडप नहीं हटेगा, लेकिन मुखिया सब लोग तो साथ नहीं दे, लेकिन यहाँ पे पंचायती भी हुआ, सब लोग को बुलाए पापा, लेकिन कुछ फैसला नहीं हुआ। पंचायती में क्या हुआ? पंचायती में भी कुछ लोग बोले कि हटेगा, कुछ लोग बोले नहीं हटेगा, बस यही चालू है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। थाना में गए, पुलिस स्टेशन में क्या बोले दरोगा जी? वो लोग बोले कि करवाते हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कब दिए हैं एप्लीकेशन? कल दिए हैं पापा, कल दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं, अभी मंडप यहीं पे है और कोई भी नहीं आया मदद करने के लिए। मतलब आश्वासन दे के आप लोग को खाली आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को घूस चाहिए, पैसा मिलेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बिहार का बस यही है, घूस चाहिए पैसा तब दौड़ के आएंगे, नहीं तो मांग किए थे वो लोग को, पैसा देंगे तुरंत आएंगे, बस मेरा यही कहने का मतलब, इससे पहले भी हो चुका है, तो पैसा दिया तब दौड़ के आए, और अभी भी ये लोग को पैसा मिलेगा तो दौड़ के आएंगे। मतलब पैसा दीजिएगा तब ही काम करेगा, घुसखोर यहाँ पे चलता है बिहार में। और उसके बाद में अभी आप जो है इससे पहले सीओ साहब से मिले थे? सीओ से मिले थे और पापा उनसे बात भी किए कि हमारे घर के गेट के सामने एकदम मंडप गाड़ा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें रास्ता मिले गाड़ी जाने के लिए, तो उन्होंने भेजे अपने आदमी को यहाँ पे, देखिए जाके और मंडप को हटाइए, वो आए देख के गए, कुछ नहीं बोले। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को हमारे चैनल के थ्रू? मैं चाहती हूँ कि मेरा मदद करे, मेरा मंडप को बस साइड में कर दे, रास्ता मुझे मिल जाए, मेरा गाड़ी अंदर आ जाए, मुझे मुंबई जाना है, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, और ये बहुत सारा काम है जो मेरा सब ऐसे पड़ा हुआ है इस मंडप के कारण, और इतना छोटा सा बात है लेकिन ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस मंडप को थोड़ा साइड में करके हटा दिया जाए, हमें रास्ता मिल जाए। देखिए मैम से बातचीत किए हम पूर्णतः कि यहाँ जो जो मामला था पूर्ण रूप से जो समस्या के बारे में बताए कि यहाँ पे जो है सार्वजनिक जगह है और ये यहाँ पे जो है ये जो मंडप है, मंडप के बारे में बताएं कि मंडप कुछ है नहीं इसके अंदर में, सिर्फ इसको लटकाया गया है, इसे जो होता है ना गाँव देहात में दो चार गो होता है कि दो चार आदमी मिल के तंग करना होता है, परेशान करना होता है, वो अभी हो रहा है यहाँ पे, वही ओनली फॉर क्योंकि सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे कोई मामला बनता ही नहीं है कि ये इस तरह का हरकत करना, क्योंकि गौ समाज का मामला है, गौ समाज में क्योंकि सार्वजनिक जगह है, ब्रह्म बाबा का स्थान है, यहाँ पे इस तरह का मामला होना ही नहीं चाहिए।